हाँ भाई, राम राम सबने। हाँ तो देखो, कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे थे और कोशिका के अंदर कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने जान लिया। कोशिका सिद्धांत में ये बात कह रखी है कि प्रत्येक जो जीवित जीव है वो किससे बना होगा, कोशिका से ही बना होता है। ठीक है, अगर वो जीवित नहीं है तो उसमें कोई कोशिका नहीं है, ये बात कोशिका सिद्धांत बोलता है। लेकिन अपवाद निकल के आ जाता है वायरस या विषाणु, इसके अंदर कोई भी कोशिका नहीं होती, ये हमने जान लिया था। फिर इसका नवीनतम जो सिद्धांत की बात करें, जो नया कोशिका सिद्धांत है, वो किसने दे दिया, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दे दिया जाता है। और कब दिया जाता है, 1855 में। ठीक है, नई कोशिका का जो निर्माण है वो इसी के अंदर क्या कह रखा है, पूर्ववर्ती कोशिका से होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका शुक्राणु व अंडाणु से होता है। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिका को क्या नाम दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला नाम दिया रॉबर्ट विर्चो ने। ठीक है, फिर हमने कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार हमने पढ़े, और जीवों के जो वर्गीकरण में एक नाम आता है अकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव में केवल कौन शामिल होता है, वायरस, और एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और यीस्ट या फिर खमीर और जीवाणु हो जाते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में पादप, जंतु, कवक, शैवाल, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं या कोशिका के समूह से बने। समझ में आ गया क्या? फिर आगे हम बात करते हैं, हमने देख पढ़ लिया था कि जीव जगत में जो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी है, माइकोप्लाज्मा। पादप जगत का जोकर किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। ये एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भीती नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आ जाती है जीव जगत के अंदर। अब देखो, सबसे छोटी कोशिका तो हमने देख ली, और भी देख लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका, ये दोनों भी हम चर्चा में हैं। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की, तंत्रिका कोशिका। अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, इस तरीके की ये कोशिका इस तरीके की होती है। सिंपल स्ट्रक्चर में बना देते हैं, ये तंत्रिका कोशिका के रूप में, ये तंत्रिका कोशिका होती है जो कि हमारे दिमाग में और रीढ़ की हड्डी के अंदर, विशेष रूप से यहीं पर एक सेंटर इनका बनता है, केंद्र है। तो सबसे लंबी कोशिका जो पूरे जीवों में सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, वो अपने तंत्रिका कोशिका को माना जाता है, जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इनका पुनरुद्भवन क्षमता बहुत कम होती है, वो हम आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका,
शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो 13 से 18 सेंटीमीटर बड़ी कोशिका देखने को मिलती है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है। सबसे छोटी कोशिका देख ली, सबसे बड़ी कोशिका हमने देख ली है और सबसे लंबी कोशिका हमने देख ली है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका हो जाती है तंत्रिका कोशिका मनुष्य की। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। यहां तक का लिख लिया। एक विशेष बात नोट करके यहां पर लिखा देता हूं। तंत्रिका कोशिका में पुनरुद्ध भवन क्षमता सबसे कम होती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है पुनर्निर्माण। कारण क्या है? कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो विभाजन के आधार पर अगर हम बात करें तो एक तो विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं और एक अविभाजन यानी जिनमें विभाजन होता ही नहीं है। तो इसमें तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका हो जाती है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। जैसे आरबीसी के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं उनमें भी कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। उनका एक समय होता है, एक समय के बाद में मृत हो जाती हैं 120 दिन के अंदर। तो उसी तरीके से तंत्रिका कोशिका का भी एक समय है। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उसका जो दिमाग है वो दिमाग मृत हो जाता है। अगर दिमाग के आधा मृत हुआ है तो उसको हम कोमा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति कोमा में चला गया। और दिमाग अगर पूरा ही खत्म हो जाता है तब हम उसको मृत व्यक्ति घोषित कर देते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तंत्रिका कोशिका एक समय होता है, एक समय के बाद में समाप्त हो जाती है। पुनरुद्ध भवन क्षमता सबसे कम होती है इसके शरीर में। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि न के बराबर हो। कोशिका विभाजन नहीं होता है, कारण बस यही है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका किसकी? मनुष्य की। अब देखो कोशिका का एक और इंपॉर्टेंट बात यह निकल के आती है। कोशिका का वर्गीकरण, अभी तो जीवों का वर्गीकरण देखा था कोशिका के आधार पर, अब कोशिका का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। प्राणियों के निर्माण के आधार पर, प्राणियों का जिस तरीके से निर्माण हुआ है उसके आधार पर कोशिका का विभाजन है, सॉरी कोशिका का वर्गीकरण है। और एक अगर हम बात करें केंद्र के निर्माण के आधार पर, केंद्र के निर्माण के आधार पर प्राणियों के
निर्माण के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो पादप कोशिका और एक आ जाती है जंतु कोशिका। जो जंतुओं में पाई जाती है वो जंतु कोशिका, जो पादपों में पेड़ पौधों में पाई जाती है वो पादप कोशिका हो जाती है। केंद्र के निर्माण के आधार पर या केंद्र के उपस्थिति के आधार पर बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अगर हम बात करें प्राइमरी प्राइमरी कोशिका बोलते हैं, सबसे पहली बनने वाली कोशिका हम इसको बोल सकते हैं, सबसे पहले धरती पर सबसे पहले बनने वाली कोशिका बोल सकते हैं। विकसित कोशिकाएं, विकसित जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे अंदर हैं, जो विकसित रूप में है, जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से बना हुआ है, डीएनए इसमें होता है, स्टोन प्रोटीन इसमें होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, राइबोसोम भी अलग अलग प्रकार के, अगर हम बात करें 80 प्रकार का जो 80S प्रकार का राइबोसोम, राइबोसोम के प्रकार हम देखेंगे तो छोटे छोटे कोशिका के भाग होते हैं। कोशिका जो सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से इसको संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं, संरचना में है सारी चीज़ें। तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात आ जाती है। दुनिया में सबसे पहले धरती पर जो कोशिका बनी थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी थी, जिसको हम जीवाणु के रूप में देख लेते हैं। कहीं कहीं पर कुछ वैज्ञानिक ये बोल देते हैं कि धरती पर जो पहला जीव आया था वो अंतरिक्ष से आया था, समझ में आ गया, और वो जो पहला जीव आया था ना वो बैक्टीरिया जीवाणु के रूप में आया था, समझ में आ गया, जीव आया था बेटा, ठीक है। अभी इसी बात के ऊपर चर्चा चल रही थी, कुछ वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि धरती पर जो पहला जीव आया था वो अंतरिक्ष से आया था, या ईब जागी है। हाँ, अब देखो प्राणियों में जो निर्माण होता है, देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रूप में देखने को यहां पर मिलते हैं। कोशिका के प्रकार अगर पूछ लिया जाए प्राणियों के निर्माण के आधार पर दो होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। केंद्रक के निर्माण के आधार पर भी दो होते हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देख लेते हैं एक एक को, लिख लिया सबने, लिख लिया क्या, अब आगे देख लेते हैं। देखो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं पादप कोशिका, और एक तरफ हम लिख लेते हैं जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका को सबसे पहले तो अपने चित्र के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
ये डायग्राम इसी तरीके से बनना चाहिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। इधर की तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है, बस कुछ नहीं है इसमें। छोटा सा चित्र ये है, एक छोटा सा चित्र ये, दो चार बातें इसमें अपने को ध्यान में रखनी है, वो दो चार बातें यहाँ से हम देखेंगे। इसमें बस एक डबल लेयर होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। जो दूसरी सफेद रंग की है उसको हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है केंद्रक। और इसको बोलते हैं, ये जो बड़े बड़े हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये अपने हो गए रिक्तिका। वैक्यूल जिसमें द्रव भरा रहता है। यहां पर कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं वो हम देख रहे हैं। ये जो बीच में है ये है केंद्रक। और इसमें यहां पर एक नई चीज निकल के आ जाती है, तारक काय। इसमें खाली मैंने तीन नाम लिखे हैं, तीन नाम इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसी तरीके से नोट करने हैं। इसमें कोशिका भित्ति एक अलग निकल के आती है और इसमें तारक काय। तारक काय माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है। वैसे एक एक ही बना लो चाहे, ठीक है। आगे हम जब चर्चा करेंगे इनके बारे में, एक एक के बारे में, तब और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन मैन अभी तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये कुछ नाम जो मैंने लिखे हैं इन नामों को ध्यान में रखना है। हाँ, लिख लिया क्या? अब देखो मेन बात क्या है, पादप कोशिका की हम बात करें तो पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति। यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। और बात करें तो इसमें केंद्रक, देखो केंद्रक, केंद्रक परिधि की ओर है, या फिर हम बात करें तो कोशिका भित्ति की ओर है, कोने पर है। लेकिन इसमें केंद्रक कहाँ है? बीच में। समझ में आ गया, इसमें केंद्रक बीच में। यहां पर इसमें क्या होता है? तारक काय होता है। इसमें तारक काय नहीं होता। कोशिका झिल्ली तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। केंद्रक इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें केंद्रक परिधि की ओर है, इसमें केंद्र के मध्य में, ठीक है। बीच में एक द्रव भी भरा रहता है, हम आगे देखेंगे, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक में भी एक द्रव होता है, इसमें भी, इसमें भी, तो केंद्रक में अलग से चीज। यहां पर देखो एक और चीज निकल के आती है, रिक्तिका या वैक्यूल, ठीक है, जिसको रसदानी भी कह दिया जाता है। इसके अंदर ही जो पेड़ होता है, पादप होता है, वो अपना जो भी फूड बनाता है उसका कुछ हिस्सा कहां पर संरक्षित रखता है? रिक्तिका या वैक्यूल के अंदर रखता है, एक द्रव के रूप में। अगर मान के चलो कि उसको कल को खाना नहीं मिला तो उसके पास में कोई घर तो है नहीं,
तो उसको इकट्ठा कहाँ पर रखना पड़ेगा, इन्हीं रिक्तिका या वैक्यूल के अंदर रखना होता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जंतु कोशिका की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर रखें, यहाँ पर रिक्तिका या वैक्यूल नहीं होते। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर रिक्तिका या वैक्यूल बहुत थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे मात्रा में होते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कभी होते हैं कभी नहीं होते, होते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो ये बात निकल के आ जाती है। इसके अलावा देखो पादप, पादप अपना भोजन खुद बना लेते हैं क्या? खुद ही बनाते हैं। धरती पे ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद ही बना लेता है वो पादप पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। ये कोई दूसरे को खा करके अपना पेट नहीं भरते हैं। समझ में आ गया। तो पादप ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जिनको स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें पादपों में एक अलग निकल के आता है कवक। क्या नाम आता है? कवक, ठीक है। पादप जगत के अंदर कवक आता है, और कवक जैसे कि तुम लोगों ने नाम सुना होगा मशरूम, ठीक है। मशरूम जो होता है जिसको कुकुरमुत्ता भी कह दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो दूसरे जो सड़ीगली चीज़ें हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है, खुद भोजन नहीं बनाता है। ये इसका अपवाद है। समझ में आया? अपवाद क्या निकल के आया पादपों का, कि जो दूसरों से भोजन प्राप्त करे, ऐसा भी एक है जिसको हम क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। तो कवक क्या हो जाता है? पादप कोशिका का अपवाद है। क्लियर है? एक और बात देखो, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका जितने भी जंतु होते हैं वो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया। चाहे दूसरे जीव को मार करके प्राप्त करें या फिर दूसरे जो वनस्पति हैं उसको ग्रहण करके प्राप्त करें। समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी एक जीव ऐसा है जो कि खुद का भोजन खुद ही बना लेता है, जिसका नाम है युगलीना। समझ में आ गया। युगलीना ऐसा जीव है जो खुद का भोजन खुद ही बना लेता है, तो ये जंतु कोशिका का अपवाद हो जाता है। यहीं से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कोशिका भित्ति, उपस्थित कोशिका भित्ति अनुपस्थित, यहां पर नहीं होती। स्वपोषी होती है, परपोषी कोशिका है, अपवाद निकल के आ जाता है कवक, और इसका अपवाद निकल के आ जाता है युगलीना। इसमें अगर हम बात करें केंद्रक प्रीति की ओर, होता है इसमें केंद्रक जो होता है, केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है। जितनी अभी तक हमने चर्चा करी थी उतनी बातें हमने लिख ली है।
और इसकी दो या तीन बातें और हो जाती हैं। पादप जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्या? हाँ, पौधे क्या करते हैं यानी पादप कोशिका क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक है तो इनमें एक एक गुण और मिल जाता है, हरित लवक, ठीक है। हरित लवक भी इनमें पाया जाता है, क्लोरोफिल। आदमी में तो कौन पाया जाता है, कौन मिला है? जानवर में कौन मिला है, ठीक है। तो इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। एक अंतर ये सामने है कि इसमें रिक्तिका बड़े आकार में होती है, इसमें नहीं भी होती है, ठीक है। और तारक का इसमें केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ये लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने? तो ये अपनी बात और ये लिख लेते हैं। रिक्तिका बड़े आकार की, आकार में उपस्थित कुछ में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, प्रकाश संश्लेषण करती है। ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, जंतु कोशिकाएं जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। तारक काय नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाता है? हरित लवक। इनमें लवक जो पाया जाता है वो हरित लवक विशेष रूप से पाया जाता है। तारक काय सेंट्रोसोम बोल सकते हैं इसको, पाया जाता है। हरित लवक अनुपस्थित अनुपस्थित होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका जो होती है वो पादप कोशिका भोजन का जो संचय करती है, भोजन का संचय, स्टार्च के रूप में करती है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च के रूप में। जंतु कोशिका में भोजन का संचयन वसा व ग्लाइकोजन के रूप में,
वसा व ग्लाइकोजन के रूप में देखने को मिलती हैं। हाँ तो देखो, अब हमने ये देख लिया है कि कोशिकाएं जो हैं वो अगर प्राणियों के निर्माण के आधार पर देखें तो दो प्रकार की हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में योजक कड़ी का काम पता है कौन करता है? युगलीना करता है। कौन करता है? युगलीना करता है। इससे पहले मैंने जीवित और अजीवित के बीच में मध्य कड़ी बताया था, कौन करता है? वायरस करता है। जीवित यानी निर्जीव और सजीव के मध्य योजक कड़ी का काम कौन करता है? वायरस। वो अगर सजीव में चला जाता है तब तो क्या हो जाता है? जीवित। और अगर निर्जीव में चला जाता है मृत हो जाता है, अकोशिकीय जीव है। समझ में आ गया? तो उसी तरीके से युगलीना जो है, जब इसको भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन ना मिले तब तो ये क्या कर लेगा? खुद का भोजन है, खुद ही बना लेगा, यानी पादप की तरह काम करने लग जाता है। जब इसको भोजन मिल जाता है तब अपना काम कैसे करता है? जंतु कोशिका की तरह करता है। समझ में आ गया? युगलीना जो है वो एक तरीके से बात करें तो योजक कड़ी का काम करता है पादप और इसके बीच में। तो नोट करके बात हम आगे फिर लिखेंगे, और आगे कल हमको क्या पढ़ना है? अगली नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। समझ में?